Hello, today we are going to solve this Rubik's Cube. This is a 2 cross 2 Rubik's Cube and this has got some very essential components associated, and I'll be explaining them to you. Alongside we'll be solving them in steps. So start kare Mishka? चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 6 अलग अलग रंग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो there are 6 colors, एक ग्रीन है, येलो है, ग्रीन येलो, मुझे ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन करना नहीं, मैं तो कलर्स पूछ रहा हूँ। कलर्स कौन कौन से मिश्र? ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वाइट भी तो है ना, वाइट। तो 6 कलर है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको याद रखना होता है कि भाई किसके ऑपोजिट कौन सा कलर है। मिश्का ग्रीन, ग्रीन का ऑपोजिट क्या है मिश्का? और रेड के ऑपोजिट? ऑरेंज। वाइट का ऑपोजिट? येलो। ओके, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जो आराम से आप याद कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। आप जब इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व स्टेटमेंट देखेंगे, सॉल्व स्टेट में देखेंगे तो यू कैन रियलाइज दैट, है ना, वेरी सिंपल। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो द आइडिया इज़ टू सॉल्व इट इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज, मिश्का बताइए कौन सी लेयर हम पहले सॉल्व करें, कौन से कलर वाली लेयर हम पहले सॉल्व करें? ग्रीन। पहले आप ग्रीन इकट्ठा करें। नहीं मिश्का, इकट्ठा नहीं करना होता इसमें। बेसिकली ग्रीन सॉल्व करने का मतलब ये हो कि यहाँ पर चारों जगह ग्रीन दिखाई देगा और साथ साथ यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज, प्रॉब्ली येलो येलो, प्रॉब्ली रेड रेड, प्रॉब्ली वाइट वाइट या कुछ ऐसा, है ना। खैर अभी लेट्स से कि ये हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला पीस हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स से दिस इज़ फिक्स, दिस इज़ अ कॉर्नर पीस, और उसके अलॉन्ग साइड जो पीस है आप जो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ग्रीन, ऑरेंज के साइड में ऑरेंज और येलो के ऑपोजिट आएगा वाइट। सो इस पीस का नाम क्या होगा? ग्रीन ऑरेंज वाइट, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज और येलो के ऑपोजिट वाइट। तो ग्रीन ऑरेंज वाइट ढूंढना है अपने को। ये ढूंढते हैं ग्रीन ऑरेंज वाइट कहाँ है, ये रहा ग्रीन ऑरेंज वाइट। सो बेसिकली ये पीस अपने को यहाँ लाना है, ठीक है। तो ग्रीन येलो ऑरेंज और ग्रीन ऑरेंज वाइट है, ये पीस अपने को यहाँ लाना है। तो जो भी साइड अपने को सॉल्व करनी, लेयर अपने को सॉल्व करनी, जैसे यहाँ पर चारों ग्रीन लाने, तो इसको अपने को इधर लेकर के आना है ना। वी हैव टू सॉल्व दिस, वी हैव टू, मिश्का जब इस पीस को नीचे लाना होता है तो क्या करना होता है, क्या एल्गो है उसका? आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। बहुत सिंपल है याद करना। तो इस पीस को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो देखिए ध्यान से, मैंने इसको अपने सामने रख लिया यूँ करके, ठीक है, ऐसे करके। तो ये पीस यहाँ लाना है, दिस इज़ द फ्रंट फेस, ये राइट साइड है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ऐसे। तो नहीं आया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ओके। तो ग्रीन ग्रीन आ गया, अगेन नहीं आया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, नहीं आया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। सो शायद कुछ गड़बड़ कर दी, ग्रीन के ग्रीन और ग्रीन येलो है ना, मैं ग्रीन येलो कहाँ गया, ग्रीन येलो और ऑरेंज का ऑपोजिट क्या होता है, रेड, ये वाला पीस लाना था, सॉरी। सो आर यू आर प्राइम यू प्राइम ऊपर आ गए, ओके। तो ग्रीन येलो, ग्रीन होना चाहिए, येलो होना चाहिए और रेड, ग्रीन ऑरेंज रेड, ग्रीन ऑरेंज रेड। तो ग्रीन ऑरेंज रेड यहाँ पर है, इसको ऊपर लाना होगा। तो आर यू आर प्राइम यू प्राइम, खैर आ गया। अब ये वाला पीस अपने को यहाँ लाना है नीचे की तरफ, मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया एक्चुअली। सो यस, दिस इज़ द पीस, ऑरेंज के ऑपोजिट रेड, येलो का येलो, ग्रीन का ग्रीन है। नाउ यू कैन अप्लाई, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, नहीं आया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, कई कॉम्बिनेशंस बार बार लग सकते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, दो तीन बार में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे अपना ना, येलो येलो, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज और रेड। प्रैक्टिस के साथ आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और नाउ वी नीड दिस पीस, है ना। तो यहाँ पर कौन सा पीस आएगा? ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन और येलो के ऑपोजिट वाइट। तो एग्जैक्टली यही पीस आ गया है कोइंसिडेंटली। तो बस इसको यहाँ लाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और देखिए काफ़ी जल्दी आ गया ये, जितना टाइम उसमें लगा उससे काफ़ी कम टाइम में ही आ गया। अब यहाँ पर एक पीस चाहिए अपने को जो कि होगा ग्रीन, क्या होगा, वाइट वाइट, ग्रीन ग्रीन और ऑरेंज के ऑपोजिट क्या होता है, रेड। तो वाइट ग्रीन रेड, वाइट ग्रीन रेड, ये रहा है वाइट ग्रीन रेड। तो इसी को यहाँ लाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम,
आर यू आर प्राइम यू प्राइम आ गया आपका, रेड रेड येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज वाइट वाइट, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर विच वी हैव सॉल्व, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बेसिक एल्गो है बेसिकली, ठीक है। ग्रीन के ऑपोजिट क्या होता है आपका, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू, रेड के ऑपोजिट ऑरेंज और वाइट के ऑपोजिट येलो होता है। सो अब ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू, अपने को यहाँ पर ब्लू लेकर के आना है, ठीक है। तो इस लेयर पर ब्लू लाने के लिए आप, ये थोड़ा रिपीटेशन है इसमें, ठीक है ना। तो आप ये हेडलाइट्स कहते हैं इनको, इनको हेडलाइट कहते हैं। तो उसको पीछे ले जाकर के आप ये एल्गो लगाइए, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, है ये लगाए। और फिर कोशिश ये करिए कि जो आपका ब्लू है वो लेफ्ट डाउन आ जाए। अगेन सेम चीज़, कई बार लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, ठीक है। तो हमने ब्लू लेयर भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। ग्रीन आ गया, ठीक है, पहले, फिर वाइट वाइट रेड रेड, ये सब ये पहली चीज़ थी, ठीक है। सेकेंड सिस्टमेटिक चीज़ ये थी, ये वाली चीज़। तो अब हमने लगभग लगभग यू नो पूरा सॉल्व सा कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी जो वाइट है वहाँ पर तीन आ गए हैं, रेड तो पूरा ही सॉल्व हो गया, ग्रीन पूरा, ये बेसिकली ये तीन बचे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या करें आप, जैसे ये जो जहाँ पर भी दो आपको सेम कलर दिख रहे हैं रेड रेड, इसको ऑपोजिट साइड रखिए। ये मेरा फ्रंट साइड है और जो रेड रेड वाला पार्ट है वो मेरा ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट फेस में रखने के बाद, रेड रेड को ऑपोजिट फेस में रखने के बाद, नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस एल्गो, आर प्राइम एफ आर प्राइम बी प्राइम, बी प्राइम है तो बी प्राइम ये दो बार, फिर उसके बाद आर एफ प्राइम आर बी प्राइम बी प्राइम बी प्राइम बी प्राइम अगेन आर 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 एंड बी प्राइम बी प्राइम, तो बी प्राइम ठीक है। एंड वी हैव कम्प्लीटली सॉल्व द रूबिक्स क्यूब, है ना, ये रूबिक्स क्यूब पूरा सॉल्व हो गया। मैं दोबारा एक बार समराइज कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट था फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना, ये चारों ग्रीन आने चाहिए और यहाँ पर वाइट वाइट रेड रेड और येलो येलो एंड ऑरेंज ऑरेंज, ये पहला लेयर फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड इज़ की ऑपोजिट फेस को ब्लू लाना, चारों यहाँ पर ब्लू आ जाने चाहिए। थर्ड इज़ टू सॉल्व दीज फोर क्यूब्स इन द परफेक्ट पोजिशन, ठीक है। मैं एक बार एल्गो आपको फिर बता देता हूँ। जो बेस वाला है वो थोड़ा इंट्यूटिव है, ठीक है ना, वो थोड़ा इंट्यूटिव है कि भाई आपको इंट्यूशन से सोचना है कि हाँ यार मेरे को ये ऑरेंज से स्टार्ट करना है, तो ऑरेंज आप नीचे ले आए और आपने बार बार ये एल्गो लगाना है अपने को कि ऊपर वाले पीस को, ऊपर कॉर्नर पीस को नीचे लाना है। तो आर यू आर प्राइम यू प्राइम पहला, सेकेंड चीज़ जो है उसके लिए आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम ऐसे। और जो लास्ट वाला एल्गो है वो बहुत सिंपल है, ठीक है, उसको याद करना बहुत आसान है, वो है आर प्राइम एफ आर प्राइम बी प्राइम बी प्राइम आर एफ प्राइम आर बी प्राइम बी प्राइम आर आर बी प्राइम बी प्राइम। काफ़ी सिंपल था, देखा आपने, तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।